लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुना था आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, आज देख भी लिया। खुशकिस्मत हैं आप मिस्टर एस एस दीवान, क्योंकि मकसूद अल मुगस्सिल सिपहसालार तहरीर अल हिंद के दीवदार आम इंसानों को नसीब नहीं होते। दल्ला है, पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के रहम पर पड़ने वाला दल्ला। तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया के इस कारोबार में हर एक चीज बिकती है दीवान साहब। दीन बिकता है, ईमान बिकता है, हर रिश्ता हर पेशे का इंसान बिकता है, देश बिकता है, देशभक्ति बिकती है, मुल्क बिकता है, मुल्क का बादशाह उसका सियासतदान बिकता है। खालिस बिजनेस है ये। बड़े बड़े अस्पताल और मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? बीमारियों का डर और मौत का खौफ ही तो बेचती हैं। वो सफेद कोट पहन के करते हैं, हम मजहब का लाभा दौड़ के करते हैं। है तो सिर्फ और सिर्फ धंधा। वही धंधा मैं बंद करने आया हूं। कोई फायदा नहीं, 12 बजे तक सब खत्म। कैसे हनीफ जेल में सर रहा है? दीवान ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? गिरफ्तार। उसे तो आपके पास ला रहे थे। किसके इंस्ट्रक्शन पर? सर उन्होंने कहा आपका इंस्ट्रक्शन है।
कुछ ही समय पहले मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सूत्रों के अनुसार करीब 20 से 25 लोग मारे गए हैं। इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है और इस आतंक की वजह क्या है? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब हमें एटीएस से नहीं मिले हैं। हम सब यहाँ एटीएस चीफ एसएस दीवान के स्टेटमेंट के इंतजार में हैं। सर, आपको बुला रहे हैं। सर, 10 नंबर की बोगी में धमाके हुए थे। आगे वाला कंपार्टमेंट तो खाली था, लेकिन वहां पर और पीछे लगेज वाली बोगी दोनों में काफी डैमेज हुआ है। कितने लोग थे? सर, रेलवे मैनिफेस्ट के हिसाब से तो 24 लोग थे और फिलहाल तो 23 बॉडीज रिकवर हुई है। सर सर, ये देखिए, ये बॉम्ब बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें फारूक के बैग में मिला था, और ब्लास्ट के असर को देख के लगता है कि 4 से 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए होंगे। सर, तकरीबन 19 से 20 जले हुए बॉम्ब्स के पार्ट्स भी मिले हैं। लगता है ये सब एक साथ एक ही बोगी में थे। सर, कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि एक लेडी ऑफिसर ने आगे की बोगीज खाली की थी। हम पता कर रहे हैं सर कि वो लेडी ऑफिसर कौन है। हुस्ना हरीफ कहाँ है? सर, उसे तो आपके पास ला रहे थे। तुम्हारे डिपार्टमेंट में उनका कोई आदमी है? दीवान साहब उसको सॉल्ट पैन ले गए, मंजे कहानी खत्म। बशीर भाईजान, उसको सॉल्ट पैन लेकर जा रहे हैं। अगर वो मरा तो उसके साथ 24 और बॉम्ब फट सकते हैं। सर, डोंट शूट, हनीफ इज द ट्रिगर। बोल। माफी चाहता हूँ साहब। कुछ चीजों को हासिल करने के लिए ईमानदारों को अंधेरे में रखना पड़ता है। माफी से कुछ नहीं बदलेगा, जो तूने किया गलत किया। पर अगर आप करते तो सब सही हो जाता ना? देखिए दीवान साहब, ना मैं आप जैसा रक्षक हूँ ना उन जैसा आतंकवादी, दोनों के बीच का फर्क हूँ मैं। मकसूद को मुंबई लाना और उसके हाइडआउट का पता आपको देना वो जरूरी था। जो कुछ भी किया सोच समझ के किया, पर मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मुझे जानता है, बस अपने आप को खो बैठा है। रफीक, हमें अभी क्या भीड़ करना पड़ेगा? Magnum tours or travels? Hard drive. सारी ट्रेन टिकट भी भेज दी गई और उन सब का ट्रिगर सिर्फ एक, मैं। ये सब क्यों? उस रात ने सब कुछ बदल दिया। ने मेरे अब्बू को मारा, सारे घर जला दिए। ये सब बदले के लिए? 10 साल के थे हम, उस उम्र में बदले के सिवा और सोचते भी क्या। आधी जिंदगी बीत गई मकसूद के पीछे पीछे भागते, और जब वो मिला तो समझ आया कि एक मामूली सा गुंडा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन चुका था। मकसूद को मारने से जरूरी था उसकी सोच को खत्म करना, उसके स्लीपर सेल्स को खत्म करना। वो तुम्हारा हक नहीं था। हक है, हम सबका हक है। सब सोचते इन जैसे लोगों को एक साथ इकट्ठा उड़ा देना चाहिए, बस मैंने कर दिया। उस बोगी में सारे स्लीपर सेल्स ही तो थे, कोई बेगुनाह नहीं था। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, आपसे कुछ कम उम्मीद भी नहीं है। अब आप अपनी ड्यूटी कीजिए और मैं अपनी। अल्लाह हाफिज़।